हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, विकास जी की रिक्वेस्ट पर ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। उम्मीद है पसंद आएगी। और ये वीडियो एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर को लेकर के है, तो उन्होंने रिक्वेस्ट करी है कि किस तरह से वो सॉफ्टवेयर बनेगा। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं, आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ओपन करना है और यहाँ पर टेबल क्रिएट करना है। तो टेबल किस तरह से क्रिएट करना है, यहाँ व्यू पे जाना है, डिज़ाइन व्यू पे आ जाना है। यहाँ टेबल को कोई नाम देना है, तो यहाँ पर टेबल को जो भी नाम देना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं अभी फिलहाल टेबल वन ही रख देता हूँ, या कुछ भी रख सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको जो नाम देना है, वो क्या नाम देना है वो बता दे रहा हूँ मैं आपको, टेबल ऑर्डर हेड, ठीक है। तो यहाँ पे टेबल ऑर्डर हेड कर दिया हमने, ठीक है। और यहाँ से ओके प्रेस किया। ओके प्रेस करने के बाद यहाँ पर आईडी आ रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पर आईडी आ रही है। आईडी आ रही है तो फिर यहाँ पर आईडी को ऑटो नंबर रखना है। मैं टैप कर लेता हूं, फिर यहां पर आ जाना है, यहां पर ऑर्डर फ्रॉम ये रखना है, ऑर्डर फ्रॉम रख दिया। टेक्स्ट रखेंगे, शॉर्ट टेक्स्ट इसमें आता है तो शॉर्ट टेक्स्ट मैं रख लेता हूं। और फिर यहां पर ऑर्डर टू, तो यहां पर लिखा मैंने ऑर्डर टू, ले लिया। अब यहां पर शॉर्ट टेक्स्ट हो जाएगा। फिर ऑर्डर की डेट, तो यहां पर ऑर्डर की डेट आप लिख लीजिए और ये होगा डेट एंड टाइम, डेटा टाइप तो यहाँ से चूज कर लीजिए। फिर ऑर्डर नंबर आएगा, तो यहाँ पर ऑर्डर नंबर कर लेता हूँ मैं, टेक्स्ट शॉर्ट टेक्स्ट रख लेता हूँ इसको। और फिर ऑर्डर की प्रायोरिटी, किस चीज़ को आप प्रायोरिटी देंगे, तो ऑर्डर प्रायोरिटी, तो ये भी शॉर्ट टेक्स्ट। फिर नीचे आइए, ऑर्डर डिलीवरी टर्म्स, ऑर्डर डिलीवरी पेमेंट्स, ये सब आपको रखना है, ऑर्डर डिलीवरी टर्म्स, ऑर्डर डिलीवरी पेमेंट्स। अब यहाँ पे ऑर्डर क्रिएट टाइम स्टैम्प ये देना होगा, ऑर्डर क्रिएट टाइम स्टैम्प स्टैम्प ये हमने कर दिया। और यहाँ पर ये क्या होगा, ये जो है डेट एंड टाइम डेटा टाइप होगा, तो ये बात ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर डिफॉल्ट वैल्यू में एक फॉर्मूला यूज कर देंगे हम, इज इक्वल टू नाउ, जिससे कि करंट डेट एंड टाइम ये बताता रहेगा, तो ये हमारा काम बहुत ही आसान कर देगा। चलिए, और नीचे जो है ऑर्डर क्रिएटेड बाय यूजर, ऑर्डर क्रिएटेड यूजर ये हमने दे दिया। और यहाँ पर टेक्स्ट डेटा टाइप रख के और यहाँ से व्यू पे क्लिक करके ओके कर दिया, तो ये इस तरीके से आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं करंट डेट एंड टाइम बता रहा है, इसको क्लोज कर देते हैं, सेव तो पहले से कर ही चुके हैं हम, तो ये जो है इस तरीके से आएगा, आप देख सकते हैं एक बार और मैंने आपको दिखा दिया। अब हमको दूसरा टेबल क्रिएट करना है, कैसे क्रिएट करेंगे, यहाँ से क्रिएट पे जाएंगे, फिर टेबल पे जाएंगे, और अब यहाँ पे टेबल का नाम हमें देना होगा, टेबल ऑर्डर डिटेल, ठीक है। तो यहाँ लिखता हूं मैं टेबल, एंटर प्रेस करेंगे, ये कर दिया एंटर। अब यहाँ पर आईडी ऑटो नंबर ही रहेगी, चलिए अगर जरूरत पड़ेगी तो बाद में चेंज करेंगे, अदरवाइज छोड़ देते हैं। ऑर्डर नंबर आ जाएगा, तो ये ऑर्डर नंबर कर दिया हमने। फिर प्रोडक्ट QTY क्वांटिटी, ओके, तो ये दे दिया हमने QTY, ओके। और इसको अब सेव करेंगे हम, तो सेव तो हम पहले भी कर चुके हैं ऑर्डर डिटेल्स के नाम से, ठीक है। और ये जो है नंबर रखेंगे और यहां से इसको डबल बना लेंगे, ताकि हम पॉइंट में भी वैल्यूज एंटर कर पाए, और ये इस तरह से आएगा, ठीक है। एक काम इसमें ये करना है कि आपको आईडी को ही प्राइमरी की रखना है, और जरूरत पड़ेगी तो फिर हम चेंज भी कर सकते हैं। अब तीसरी टेबल जो हमें बनानी है, मैं कर देता हूं एंटर प्रेस करता हूं, अब यहां पर आईडी आ रहा है, ऑटो नंबर रखेंगे, नीचे आएंगे। अब आगे क्या करना है, आईडी देने के बाद, आईडी देने के बाद हमें प्रोडक्ट कोड देना है, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे प्रोडक्ट कोड, अच्छा प्रोडक्ट कोड जो हमने फॉर्मेट यूज किया है, किस तरह का फॉर्मेट यूज किया है हर बार, वो मैं आपको दिखाता हूं, इसको पहले सेव कर लेता हूं। अब देखिए ये ऑर्डर डिटेल है, तो ऑर्डर डिटेल वाली टेबल में जब हम जाते हैं तो फॉर्मेट किस तरह का यूज किया है वो दिखाता हूं। ये ऑर्डर डिटेल वाली टेबल है, तो प्रोडक्ट कोड में कोई गैप नहीं है, तो यहां पर भी हमें कोई गैप नहीं देना है। अच्छा, जो ये जो गैप दिया है उसको रिड्यूस कर देते हैं। अब प्रोडक्ट कोड देने के बाद क्या करना है, इसी को प्राइमरी की हमें बनाना है, चलिए इसको बनाते हैं अभी। प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन देना है, प्रोडक्ट का एक नंबर होता है ISBN नंबर, तो प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन यहां दे देते हैं, प्रोडक्ट
डिस्क्रिप्शन प्रोडक्ट के बारे में होता है, ये प्रोडक्ट कैसा है क्या है, और प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन देने के बाद प्रोडक्ट का जो ISBN है वो दे देंगे। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ISBN या ISBN नंबर हम प्रोडक्ट का दे देंगे, इसको भी हम टेक्स्ट ही रख लेते हैं, शॉर्ट टेक्स्ट, ठीक है। फिर प्रोडक्ट का रेट आएगा, तो प्रोडक्ट का रेट जो है हम करेंसी रख लेंगे, ठीक है। तो प्रोडक्ट का रेट रखा हमने, क्या रखा यहाँ पे, मैं करेंसी डेटा टाइप यूज कर रहा हूं, तो ये करेंसी रख लिया हमने, और यहां से ओके आप चाहे तो प्रेस कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहां से ओके प्रेस कर लें, तो ये तीनों टेबल्स हमारी तैयार हो चुकी हैं। अब आगे क्या करना है, हमें फॉर्म बनाना है, तो फॉर्म पे चलेंगे हम। तो फॉर्म पे हम ऐसे नहीं जाएंगे, यहाँ मोर फॉर्म पे जाकर फॉर्म मॉडल डायलॉग पे जाएंगे, और ये जो ओके एंड कैंसिल का बटन आ रहा है उसको हटा देंगे, थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं, ये छोटा कर लिया हमने। अब क्या करना है, ये जो फॉर्म हमने लिया है इसको कॉन्टिन्यूअस फॉर्म बनाना है, तो प्रॉपर्टी शीट पे जाएंगे, और ये जो सिंगल फॉर्म है इसे हम कॉन्टिन्यूअस फॉर्म बना देंगे, ये कॉन्टिन्यूअस फॉर्म हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या करना है, इसके बाद एड एग्जिस्टिंग फील्ड पे जाना है, और ये शो टेबल्स, यहाँ पे टेबल्स आपको दिखाई पड़ रही होंगी, तो एक क्वेरी हम क्यों ना बना ले, तो यहां से क्रिएट पे चल के क्वेरी डिजाइन पे जाएंगे, और क्वेरी अब हमें क्रिएट करनी है। तो क्वेरी कैसे, अब हमें कहां चलना है, हमें चलना है उस टेबल पर जिसमें कि हमें ऑर्डर डिटेल्स और प्रोडक्ट कोड ये दोनों मिलेंगे। तो हमें प्रोडक्ट वाला जो टेबल है उसमें हमें थोड़ी सी चेंजिंग करनी है, तो ये प्रोडक्ट वाला टेबल है, और इसमें चेंजिंग क्या करनी है, हमें चेंजिंग ये करनी है कि जो प्रोडक्ट कोड है इसी को प्राइमरी की बना देना। तो यहां से क्लिक कर दीजिए, ये प्राइमरी की बन जाएगा, ठीक है। अब ये बन गया, तो अब हमको क्रिएट पे जाकर के और क्वेरी डिजाइन पे जाकर के, और यहां से ऑर्डर डिटेल लेनी है और टेबल प्रोडक्ट्स लेना है, इन दोनों को ले लेंगे हम। अब ये देखिए आईडी और आईडी के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट हुई है, इसको हमें नहीं रखना है, ठीक है। यहां पर इसको मैं डिलीट कर देता हूं, और प्रोडक्ट कोड को प्रोडक्ट कोड से लिंक करना है, कर दिया। चलिए आगे देखते हैं क्या करना है। अब ऑर्डर डिटेल वाली टेबल पे जाना है, आ गए, इसको डिजाइन व्यू पे लेना है, इसमें ऑर्डर नंबर और प्रोडक्ट कोड इन दोनों को ही हमें प्राइमरी की बनाना है। कैसे बनाएंगे, पहले कंट्रोल की प्रेस कर लीजिए, इस पर क्लिक करके कंट्रोल की प्रेस कीजिए, दोनों को सेलेक्ट कर लिया, प्राइमरी की पे क्लिक कर दीजिए, तो ये प्राइमरी की बन जाएगा। आप देख सकते हैं ये प्राइमरी की बन चुका है, ठीक है। लेकिन इसमें एक काम हमें करना है, यहां पे देख सकते हैं, यहां पे एरो, अब जो कि रिलेशनशिप हमने क्रिएट कराई थी उसको थोड़ा एडिट कर लेते हैं, यानी कि यहां पर जो क्वेरी बनाते वक्त जो रिलेशनशिप हमने क्रिएट कराई थी इसको थोड़ा एडिट कर लेते हैं, यानी ऑर्डर डिटेल और ये टीवी प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया था, ऑर्डर नंबर और प्रोडक्ट कोड दोनों को ही प्राइमरी की बनाया था, तो इसको थोड़ा रिमूव कर देते हैं, और इसको भी रिमूव ही कर देते हैं। चलिए अब क्या करते हैं, क्रिएट वापस चलते हैं, क्वेरी डिजाइन पे चलते हैं, और यहां से ऑर्डर डिटेल ले लेते हैं, और फिर यहां पर टीवी प्रोडक्ट्स भी ले लेते हैं, दोनों को ले लिया। अब इन दोनों में ये प्राइमरी की शो हो रही है, अब प्रोडक्ट कोड को आप इससे जोड़ दीजिए, इतना काम आपको कर लेना है। ये जो ऑर्डर डिटेल वाली टेबल है इसमें आपको स्टार सिंबल पे क्लिक करना है, तो यहां ऑर्डर डिटेल की चीजें आ जाएंगी, और फिर हमें कहां आ जाना है, प्रोडक्ट्स वाले टेबल पे आ जाना है। तो सबसे पहले हमें क्या लेना है, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन लेना है, तो ये डिस्क्रिप्शन ले लिया हमने, और इसके बाद तमाम चीजें जो नीचे दी हुई हैं वो सारी चीजें लेनी है। तो डिस्क्रिप्शन ले लिया, ISBN नंबर ले लिया, रेट ले लिया, तो इसके बाद आप यहां रन पर क्लिक कर दीजिए, तो ये इस तरीके से आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। और इस क्वेरी को आप सेव कर लेते हैं हम, सेव किस नाम से करेंगे, चलिए QRY ऑर्डर डिटेल्स प्रोडक्ट्स इसी के नाम से इसको सेव कर लेते हैं, तो ये सेव हो जाएगा, ठीक है। एक बार ये चेक कर लेते हैं कि ये सारे टेबल्स हमने सेव किए हैं, नहीं, ये सेव है, ये सेव है, ये सेव है, फॉर्म को छोड़ देंगे, और ये जो क्वेरी हमने बनाई थी ये भी सेव है, ठीक है। अब एक एक करके इन टेबल्स को क्लोज करेंगे, ये क्लोज कर दिया, फिर ये इसको भी क्लोज कर दिया, इसको भी क्लोज कर दिया, और ये जो क्वेरी बनाई थी इसको भी क्लोज कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा रुकते हैं अभी,
यहां से हमें जो टेबल्स हैं हमारी वो शो हो जाएंगी। अब हमें टेबल प्रोडक्ट्स को ले लेना है, तो ये टेबल प्रोडक्ट आ गया। इसमें कुछ चीजें एंटर करनी है हमें, जैसे कि प्रोडक्ट का कोड एंटर करेंगे हम, ठीक है। तो कोड कैसे एंटर करेंगे, तो यहां पर आएंगे और एक कोड मैं लिखता हूं PR4x01 लिख दिया, यहां पर आ गए, डिस्क्रिप्शन पे आ गए। तो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल देता हूं प्राइमरी आइटम, हो गया। फिर यहां पर ISBN कोड है, तो जो भी कोड है वो डाल दीजिए और जो रेट है वो डाल दीजिए। अब करेंसी डेटा टाइप हमने चूज किया है, तो क्या पॉइंट में रेट डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं। तो यहां पे 67.90 रुपए मैंने डाला, तो यहां पे एक्सेप्ट कर लिया ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरह से हमने तीन रिकॉर्ड एंटर कराए हैं। अब हम चलते हैं क्वेरी ऑर्डर डिटेल प्रोडक्ट्स वाले टेबल पर, और यहां पर ऑर्डर नंबर दिया हुआ है, प्रोडक्ट कोड दिया हुआ है। तो हमने प्रोडक्ट्स में प्रोडक्ट कोड ही एंटर करा है, तो यहां प्रोडक्ट कोड की ही बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहां से प्रोडक्ट कोड की बात करते हैं। तो यहां पर प्रोडक्ट कोड हमने डाला था PR1234 1। तो यहां पे अगर 1 वाला डालते हैं तो 1 वाले सारे आइटम और उसके रेट आ जाते हैं। चलिए एंटर प्रेस करते हैं, तो ये इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम सीधा क्वेरी में आ जाते हैं। और यहां पर अब हमें कुछ कैलकुलेशन से रिलेटेड काम करने होंगे, तो क्या करना होगा आइए समझ लेते हैं। यहां पर मैं इसको एक्सप्रेशन बिल्डर वाले बॉक्स पे आ जाता हूं, और यहां पर हमें टाइप करना है टोटल वैल्यू, ठीक है। यानी टोटल वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, वो चीजें हमें चाहिए, जैसे कि जो प्रोडक्ट का रेट है उसको ले लिया हमने, और ये एक्सप्रेशन हटा देंगे, इसका हमें कोई काम नहीं है। और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अगर क्वांटिटी से, तो हमारा जो प्राइस है वो आ जाएगा। तो यहाँ प्रोडक्ट की क्वांटिटी हमने दे दी और यहां से ओके प्रेस कर दिया, इतना हमें काम करना है, ठीक है। तो ये टोटल वैल्यू जो है, इसके बाद हमें कोलन लगाना होगा, नहीं तो ये कैलकुलेट नहीं करेगा। कोलन लगा दीजिए। और अब क्या करना है, अब इतना काम करने के बाद आपको ओके प्रेस करके और फिर रन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। चलिए यहां से रन पे क्लिक कर देते हैं। ये रन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये टोटल वैल्यू कैलकुलेट होकर आपके सामने आ जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। अब इन सबको सेव करके और क्लोज कर दूंगा, सिर्फ फॉर्म हमें ओपन रखना है। ये क्वेरी को हटाता हूं यहां से, इसका कोई काम नहीं। तो ये क्वेरी तो हम पहले ही सेव कर चुके हैं, और ये टीवी प्रोडक्ट्स जो है इस पे भी एक बार सेव पे क्लिक कर देते हैं, और इसको भी मैं अब हटाता हूं और इसको भी हटा देता हूं यहां से, ठीक है। अब हम जो फॉर्म यहां पे हमने बनाया उसी पर काम करना है। डिजाइन पे जाना है और प्रॉपर्टी शीट पे जाना है, और यहाँ पे एड एग्जिस्टिंग फील्ड पे जाना है। और ये देखिए, ये तीनों टेबल्स आपको शो हो रही हैं, ठीक है। अब इसी पे हमें काम करना है। ये जो क्वेरी बनी हुई है, ये क्वेरी जो हमने बनाई है, इस पे क्लिक करके और हमें डिजाइन पे जाकर के और प्रॉपर्टी शीट को ओपन करना है, ठीक है। और प्रॉपर्टी शीट के ओपन होने के बाद यहाँ ऑल पे क्लिक करिए, और आप ऑल पे क्लिक करेंगे, इसके बाद क्या करना है आपको डेटा पे क्लिक करना है। और डेटा पे क्लिक करने के बाद ये जो ड्रॉप डाउन दिख रही है ना, वहां से आपको ये क्वेरी चूज कर लेना है, ठीक है। आगे क्या करना है, क्वेरी चूज करने के बाद, क्वेरी जैसे ही चूज करेंगे और फिर आप अगर एड एग्जिस्टिंग फील्ड पे आएंगे तो ये आपको ऐसे शो होगा, ठीक है। एड एग्जिस्टिंग फील्ड पर आते ही आपको ये ऐसे शो होगा ऑल टेबल, ठीक है। ऑल टेबल शो होने के बाद अब हमें क्या करना है, ऑर्डर डिटेल्स में ऑर्डर नंबर लेना है, ठीक है, या फिर हम प्रोडक्ट कोड ले लेंगे। और प्रोडक्ट कोड लेने के बाद डिस्क्रिप्शन लेना है, और ISBN नंबर लेना है, रेट लेना है और क्वांटिटी लेना है, ठीक है। तो यहां से ऑर्डर नंबर नहीं लेते हैं, प्रोडक्ट कोड ले लेते हैं, ठीक है। और यहां से डिस्क्रिप्शन अगर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन भी ले लेंगे हम, तो ये डिस्क्रिप्शन ले लिया, रेट भी ले लिया हमने। अगर आपको प्रोडक्ट की क्वांटिटी चाहिए तो क्वांटिटी भी ले लेंगे हम, इतना हमें ले लेने। इन सबको सेलेक्ट करके और टेबुलर पे क्लिक करने से इस तरह के फॉर्मेट में आपका डेटा आ जाएगा। इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूं और यहां से इसको भी ऊपर कर लेता हूं, तो ये इस तरह के फॉर्मेट में डेटा हमारा
आ जाएगा। इसको भी थोड़ा सा ऊपर करता हूं। अब क्या करना है हमें, लेफ्ट साइड में अरेंज करना है। उठाइए और अरेंज कर डालिए इसको, लेफ्ट साइड में आ गया ये। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जरा गौर करिएगा, यहां पर फील्ड लिस्ट जो खुली हुई है इसमें एक टोटल वैल्यू भी हमने लिया हुआ है। इस टोटल वैल्यू को भी हमें ले लेना है। और इसको कहां रखेंगे हम, इसको भी हम लेके जाएंगे यहां पर, तो ये यहां पर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें कैसे क्या करना है हमें वो समझना है। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट, अब इसको भी उठा करके ऊपर ले चलते हैं, यहां पर ये शिफ्ट हो जाएगा तो ठीक लगेगा। यहां पर शिफ्ट कर दिया हमने इसको। ठीक है, इस पूरे डेटा को हम टेबुलर फॉर्मेट में ही रखेंगे। ये पूरा टेबुलर फॉर्मेट में सेट हो चुका है और इसको थोड़ा ऊपर की तरफ हम लेके जाएंगे। ये चीज जो है इसको थोड़ा और ऊपर किया और इसको थोड़ा नीचे रखेंगे, ये कर दिया हमने। अब यहां से चाहे तो हम मार्जिन सेट करके इसको भी ऊपर कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं इसको ऐसे ही रखता हूं। चाहे तो हम ये टोटल वैल्यू या ये सारी चीजें जो दी हुई हैं इसका नाम हम चेंज कर सकते हैं। कैसे, टोटल वैल्यू को सेलेक्ट किया, मैं कैप्शन में टोटल वैल्यू जो दिया हुआ है इसको आप हटा दीजिए और यहाँ सिर्फ टोटल लिख दीजिए। इसी तरह से सबका आप जो नाम है वो चेंज कर सकते हैं, लेबल चेंज कर सकते हैं, नाम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टोटल कर दिया हमने और इसको थोड़ा ठीक ठाक फॉर्मेट में डाल देंगे टोटल। ओके, तो ये कर दिया हमने, अब ये टोटल के नाम से ही आएगा। ये कर दिया हमने टोटल वैल्यू। अब आगे ये जो हमारा हेडर का पार्ट है इसको पूरा सेलेक्ट कर लीजिए। कोई कलर प्रोवाइड करना चाहते हैं तो कर दीजिए यहाँ से होम पर जाकर के, और यहाँ से आपका बैकग्राउंड कलर हो जाएगा। तो अगर बैकग्राउंड पे कोई कलर लगाना चाहते हो तो यहाँ से लगा दीजिए, और टेक्स्ट को कलर करना चाहते हो तो भी कर सकते हैं। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, ब्लैक कलर दे देता हूँ और यहाँ से इसका कलर वाइट कर देता हूँ, तो ये इस तरीके से दिखेगा। तो ये आप कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। अब जो सबसे मेन काम है वो यहां पर फुटर पे हमें करना है। ठीक है, वो क्या काम है, यहां पर राइट क्लिक कीजिए, एक मिनट, ये जो है ना यहां पर इसको ले लेता हूं मैं। ठीक है, और इसको लेने के बाद क्या करना, यहां से इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लिया, नीचे क्लिक करना है, यहां फुटर पे इसको पेस्ट कर दीजिए। ये जो पेस्ट किया आपने इसको उठाइए, यहां से ड्रैग करिए और यहां लेके आ जाइए, ठीक इसी के नीचे। तो ये टोटल वैल्यू यहां पर आ जाएगी। यहां पर कंट्रोल सोर्स पर आकर के फॉर्मूला हमें लगाना है। ठीक है, तो चलिए लगाते हैं, यहां पर क्लिक करते हैं और ये टोटल वैल्यू लिखा हुआ है। तो यहां पर हम फॉर्मूला लगाएंगे एनजेड इज इक्वल टू एनजेड, लिख दिया स्मॉल ब्रैकेट बनाया। अब क्या लिखना है, अब लिखना है आपको सम, टोटल वैल्यू कैलकुलेट करने है, तो टोटल वैल्यू यहां पे हम दे देंगे। तो यहां पे NZ, फिर यहां पे टोटल वैल्यू, स्मॉल ब्रैकेट को क्लोज करिए, कॉमा दीजिए, जीरो दीजिए और ये जो ब्रैकेट है उसको बंद कर दीजिए, बस ओके प्रेस कर दीजिए। ये हो गया हमारा काम। ठीक है, इसको यहां से सेव कर लेंगे। तो यहां से सेव करेंगे तो इसको एक नाम देना होगा, तो मैं नाम दे देता हूं FRM ऑर्डर डिटेल्स, ये नाम दे देता हूं। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो अब जबकि हम व्यू पे क्लिक करेंगे तो ये हमें इस तरह की व्यू डिस्प्ले होगी। ठीक है, और ये सॉफ्टवेयर हमारा क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा इसको भी सेट कर लेंगे ताकि ये जो गैप हमें दिख रहा था फॉर्म में वो गैप नहीं दिखेगा। अब सेट करने के बाद ये ऐसा दिखेगा, ये देखिए ये गैप जो आ रहे थे वो रिड्यूस हो चुके हैं। ठीक है, तो ये लगभग हमने सॉफ्टवेयर क्रिएट ही कर दिया है और अब थोड़ी सी कुछ चेंजेस बाकी हैं तो उनको भी हम चाहे तो कर सकते हैं। पर जाएंगे वो क्रिएट दिख रहा है और यहां से फॉर्म पे जाएंगे, बल्कि फॉर्म पे ना जाकर के हम मोर फॉर्म पे जाएंगे। ये फॉर्म जो हमने लाया लेके आए हैं इसको क्लोज कर देंगे और मोर फॉर्म पे जाएंगे। ये जो क्रिएट पे जाने के बाद ये जो मोर फॉर्म है ना यहाँ पर आना है हमें, और यहाँ से मॉडल डायलॉग वाला फिर से ले लेना है और इसको डिलीट कर देना है। ठीक है,
एक फॉर्म क्रिएट करना है दोबारा से, और यहां पर आप देख सकते हैं प्रॉपर्टी शीट मैंने ओपन कर रखी है और ये हमारा फॉर्म है डिजाइन व्यू में मैंने लिया है। अभी हमने इसका नाम सेव नहीं किया है, तो अभी हमें क्या करना है, ये फॉर्म है और यहां से ड्रॉप डाउन जो दिख रही है इसमें हमें ऑर्डर हेड, टीवी ऑर्डर हेड इसको ले लेना है, ठीक है। इसको ले लेने के बाद आपको एड एग्जिस्टिंग फील्ड में आना है। अब क्या क्या चीजें आपको चाहिए वो ले लीजिए। सबसे पहले ऑर्डर फ्रॉम ये ले लिया हमने, और फिर जो जो चीजें आपको चाहिए वो सारी चीजें आप ले लेंगे। चुके हैं इसको यहाँ पे देखिए, ये इसको मैं बड़ा कर रहा हूं तो ये इस तरह से शो हो रहा है। इसको भी थोड़ा सा साइज बड़ा कर लेंगे तो ये इस तरह से आएगा, ठीक है। इधर से थोड़ी सी साइज और बड़ी कर लेते हैं इसकी, ओके। तो ये हमारा हो गया, और यहाँ से साइज छोटा कर लेते हैं तो ये हमारा इस तरह से आएगा, ठीक है। अब इसमें सारी चीजें हमने इंसर्ट करा ली हैं, इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, ये हमने पकड़ा और इसको भी यहाँ से थोड़ा छोटा और फिर थोड़ा बड़ा, तो ये इस तरह से हमारा आ जाएगा, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई होगी, बहुत ही आसान तरीके से बता रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपके साथ इसकी विथ बढ़ा लेते हैं, यहाँ से ये विथ इतना कर लिया हमने। ऑर्डर फ्रॉम ऑर्डर टू, इसको थोड़ा ऊपर की तरफ शिफ्ट करते हैं, थोड़ा इसको छोटा करते हैं साइज को, इतना बड़ा की जरूरत नहीं। यहाँ से क्लिक करते हैं, इसको भी ये यहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है। तो ये ऑर्डर डिलीवरी टर्म्स हो गया, फिर ऑर्डर पेमेंट वाली जो है इसको यहाँ पे ले लेंगे, तो ये ले लिया हमने, और थोड़ा सा इसको छोटा कर लेंगे यहाँ से बस, तो ये हमारा काम हो गया है लगभग, ठीक है। यहाँ से चाहे तो आप ये ऑर्डर को हटा सकते हैं, ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैं इसको हटा रहा हूँ, आप भी इसको हटा सकते हैं, आप चाहे तो रख भी सकते हैं, नो प्रॉब्लम। मैं इसको हटा ही देता हूँ, ये हटा दिया हमने। ऑर्डर डिलीवरी टर्म्स ये इस तरह से दिखेगा, ठीक है। और अब चाहे तो ये डिलीवरी पेमेंट्स है तो इस डॉटी ही रखेंगे तो भी पता चलेगा, ये ऑर्डर लिखने की जरूरत नहीं, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं सिर्फ प्रायोरिटी, ओके, ये लिख दिया हमने, ठीक है। और अब जो फॉर्म हमने बनाया था उसको उठा करके इस पर डालने की बारी, तो उठा करके यहाँ डाल दीजिए, आप डाल दिया आपने ला करके फॉर्म। तो ये इस तरीके से हमारा फॉर्म यहाँ पे आ जाएगा। अब इस फॉर्म को थोड़ा बेहतर तरीके से शिफ्ट करने का काम रह गया है बस, तो इस फॉर्म को बेहतर तरीके से शिफ्ट करने के लिए हमें क्या करना है, यहां से इसको थोड़ा नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो ये देख पाएंगे, और ये सारी चीजें तो इसमें दिख ही रही हैं, तो ये फॉर्म तो हमने ठीक ठाक शिफ्ट कर ही लिया। आईडी नजर ही नहीं आ रहा है, तो ऑर्डर आईडी नहीं बल्कि ऑर्डर नंबर आपको सेलेक्ट करना होगा। ये जो ऑर्डर नंबर दिख रहा है इसको सेलेक्ट कर लीजिए, और यहां से भी आपको ऑर्डर नंबर ही सेलेक्ट रखना है, तो ये देख सकते हैं आप, ये ऑर्डर नंबर हो गया, और फिर यहां से भी ऑर्डर नंबर ही आपको सेलेक्ट करना है और यहां से ओके कर देना है, तो ये यहां पे ऑर्डर नंबर आ जाएगा, लिंक मास्टर फील्ड और लिंक चाइल्ड फील्ड में ऑर्डर नंबर आ जाएगा, ठीक है। अब
इवेंट में आके एक छोटा सा विजुअल बेसिक कोड हमें लिखना है, ठीक है। तो कोड बिल्डर पे आ जाते हैं और यहां पर एक छोटा सा कोड हमें लिखना है। ऑर्डर नंबर कर दिया हमने और यहां पर ये लगा दिया हमने और यहां पे नल देन, और यहां पर लिखेंगे FRM order details, पर देते हैं सी लैंग्वेज या पाइथन में जो कोड लिखते हैं इफ एल्स का वो लगभग ऐसा ही है। तो डिटेल्स डॉट लॉक्ड LOCKED, ये लॉक्ड हमें यहां से ले लेना है। तो ये ले लिया हमने। अब आगे क्या करना है, इज इक्वल टू फॉल्स कर दिया है, ट्रू ट्रू कर दिया, यहां से ट्रू ले लेंगे, ठीक है, ट्रू भी ले लिया। अब एंटर करके एंड इफ, ओके, इसको यहां से सेव कर लेता हूं, यस, ठीक है। और यहां पर क्या नाम देंगे हम, ऑर्डर न्यू, इसी के नाम से इसको सेव कर देंगे। और अब इसको क्लोज करके यहां पर आ जाएंगे, यहां पर ऑर्डर नंबर हम ले चुके हैं ऑलरेडी, ओके, अब इस कोड में थोड़ी सी चेंजिंग हमें यह करनी है कि जहां हमने ट्रू लिखा था उसकी जगह फॉल्स कर दीजिए, ठीक है। जहां हमने ट्रू लिखा था उसकी जगह आपको फॉल्स करना है और जहां फॉल्स लिखा था उसकी जगह ट्रू कर दीजिए। ये कैसे होगा ये देख लेते हैं। ये हमने लॉक किया इसे, तो इसको हमें ट्रू करना है और इसको हमें फॉल्स रखना है, ठीक है, बस इतना ही काम करना है आपको, ओके। और इसको यहां से सेव करना है, ठीक है। और अब जबकि हम ये पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर क्रिएट कर चुके हैं, तो आप जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। देखिए यहाँ पर फॉर्म ऑर्डर्स की डिटेल हम खोल रहे हैं, तो यहाँ पर इन सब का टोटल होकर आ रहा है, ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो टोटल है इसका भी टोटल होकर आ रहा है। एनजेड फंक्शन यही तो काम करता है, इसको हम एक अलग से भी डिटेल में समझेंगे, लेकिन इतने से तो आपको क्लियर हो ही गया होगा कि एनजेड फंक्शन काम क्या करता है। अच्छा, यहां से अगर हम ऑर्डर न्यू ऑर्डर की डिटेल खोलते हैं, तो यहाँ पर जो जो प्रोडक्ट कोड के हिसाब से हम डालेंगे, देखिए अपने आप डिटेल आ जाएगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ PR 4x03, अब ये 3 वाला डिटेल अपने आप यहाँ पे आ जाएगा पूरा,
अब कितनी क्वांटिटी सेल करनी है आपको, जैसे मान लीजिए 10 क्वांटिटी जो है आपने सेल कर दी, तो 10 की कीमत आ गई, उसके हिसाब से यहां पर ये वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, फिर यहां पर आता हूं, यहां पर आ गए। अब अगला प्रोडक्ट आईडी जो है उसको डालते हैं, यहां पर डाला PR 4x0 और यहां पे 4 किया और यहां पर आ गए, तो आइटम 5 आ गया। ये सारी वैल्यूज हमने क्वेरी में एंटर कर रखी है तो वो यहां से फेच कर रहा है, लेकिन यहां पर हमें क्या करना है, सिर्फ ये देखिए यहां से ओके किया, यहां पर हमें प्रोडक्ट का रेट डालना है और ये यहां पे गलती से क्यू आ गया है, इसको हटा देता हूं। तो यहां पे प्रोडक्ट का रेट आ जाएगा, जो भी रेट होगा ना वो रेट डाल दीजिए आप। जैसे मान लीजिए प्रोडक्ट का रेट है 600 रुपए, ठीक है, दे दिया। तो 600 रुपए के हिसाब से अभी यहां जीरो है, अगर 6 प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं इसका, तो यहां पे टोटल कॉस्ट आ गई। और यहां पर देख सकते हैं एनजेड फंक्शन के मदद से जो हमने बनाया, उसकी मदद से जो हमने बनाया है उसकी मदद से ये टोटल कॉस्ट भी इन सबका टोटल करके आ जा रहा है। तो ये इस तरह से हमारा काम करेगा। अब मान लीजिए यहां पर PR 4x0 5 ये प्रोडक्ट की कोड है और इसको हमने ले लिया। अब ये देखिए ये यहां पे अपने आप टोटल होके आ गया, देख रहे हैं ये यहां पे चेंज हो गया और ये अपने आप टोटल होकर आ गया। अगर हम यहां पे 10 क्वांटिटी सेल कर रहे हैं तो ये 10 के हिसाब से टोटल देगा, अगर 110 क्वांटिटी सेल कर रहे हैं तो ये इसके हिसाब से ही टोटल हमें ला करके दे देगा। देखिए यहां 19,000 आ चुका है, यहां पे देख सकते हैं 19,959.20 रुपए यहां पे शो हो रहा है। तो ये इस तरीके से काम करेगा। हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और इसको खूब शेयर करें और इस पर आधारित, चूंकि देखिए एक ही वीडियो में इसको कवर कर पाना बड़ा मुश्किल होता है और मुझे भी काफी प्रॉब्लम हुई, तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अगर वीडियो पसंद आती हो तो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।